आपको बिहार के एक आईएएस अफसर की कहानी बताते हैं। वो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। नीतीश कुमार को जब भी परेशानी होती है, जिस भी मंत्रालय का मंत्री ज्यादा उड़ने लगता है, तो नीतीश कुमार उस अफसर की तैनाती संबंधित मंत्रालय में कर देते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच आजकल जिस तरह का राजनीतिक खेल चल रहा है, उस खेल में वो अफसर भी एक किरदार है। लालू यादव और उनका परिवार पहले से भी उस अफसर के निशाने पर रहा है। आजकल ये अफसर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की आंखों में बहुत खटक रहे हैं। चंद्रशेखर जी की परेशानी का आलम यह है कि वो परेशान होकर लालू यादव के पास भागे भागे गए और इस अफसर की शिकायत लगा दी है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा अफसर हो गया जो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले रहा है। बिहार में एक आईएएस अधिकारी के काम करने का स्टाइल आरजेडी और जेडीयू में टकराव की वजह बन रहा है। कहां तो नीतीश कुमार देश भर की पार्टियों को एक साथ लेकर मोदी के खिलाफ एक मोर्चे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिहार में उनका एक चहेता आईएएस आरजेडी को खटकने लगा है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के पाठक बिहार के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों सुर्खियों में है। पाठक नीतीश सरकार के दो मंत्री चंद्रशेखर और रत्नेश सदा के रडार पर हैं। मंत्री चंद्रशेखर से तो विवाद इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री और लालू यादव को सुलह के लिए आगे आना पड़ा। 1968 में जन्मे केशव कुमार पाठक ने शुरुआती पढ़ाई यूपी से ही की है। 1990 में पाठक की तैनाती कटिहार में हुई। इसके बाद गिरिडीह में भी एसडीओ रहे। पाठक का पहला विवाद गिरिडीह में ही सामने आया था। वे बेगूसराय, शेखपुरा और बाढ़ के भी एसडीओ पद पर तैनात रहे। 1996 में पाठक पहली बार डीएम बने। उन्हें गिरिडीह की कमान मिली थी। राबड़ी शासन के दौरान पाठक को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की भी जिम्मेदारी मिली थी। के पाठक ने गोपालगंज में एमपी फंड से बने एक अस्पताल का उद्घाटन एक सफाई कर्मी से करवा दिया था। यह फंड गोपालगंज के सांसद और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने मुहैया कराया था, लेकिन पाठक जी उद्घाटन के लिए साधु यादव का इंतजार न करके एक सफाई कर्मी से अस्पताल का फीता कटवा दिया। के पाठक के भौकाल से साधु यादव इतने परेशान हो गए, अपनी बहन राबड़ी देवी तक अफसर की शिकायत लेकर पहुंच गए। गोपालगंज में पाठक की हनक से आखिर में राबड़ी देवी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने पाठक जी को वापस सचिवालय बुला लिया। 2021 में फेम इंडिया मैगजीन ने देश के 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में के पाठक का नाम शामिल किया था। साल 2005 और महीना था फरवरी का। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। लालू यादव सत्ता की वापसी में तैयारी में थे, लेकिन उनके गृह जिले में ही के पाठक तैनात थे। पाठक ने गोपालगंज के सांसद और लालू यादव के साले साधु यादव को जिला बदर कर दिया था। उन चुनावों में राजद गोपालगंज की 6 में से 3 सीट हार गई थी। साल 2021 में बिहार में जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही थी। नीतीश सरकार पर देश में लोग बवाल काटने लगे। राज्य में शराब बैन है और शराब से मौत होना सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय था। परेशान नीतीश कुमार ने अबकारी विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को दे दी। के पाठक जैसे ही गए, विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी हांफने लगे। एक बार जब के पाठक अपने अधिकारियों को चमका रहे थे, तो किसी ने उनका वीडियो बना लिया। पाठक जी अधिकारियों को गलिया रहे थे। एक बार के पाठक को सुशील मोदी ने सनकी बोल दिया था। के पाठक ने सुशील मोदी को नोटिस भेज दिया। पाठक ने सुशील मोदी से कहा कि आपका यह बयान पूरी तरह से गलत है, माफी मांगिए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। के पाठक और मंत्री चंद्रशेखर विवाद की दो वजह है। ताजा बवाल तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 1 महीने पहले के पाठक को शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया। शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर बैठते ही पाठक जी एक्शन में आ गए। बिहार की बदहाल शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति के प्रावधान को कैबिनेट के फैसले के जरिए समाप्त करवा दिया, और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जींस और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर भी बैन लगा दिया। के पाठक के इस फैसले से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नाखुश थे।
के पाठक के रवैये से नाराज होकर शिक्षा मंत्री ने निजी सचिव कृष्ण नंदन यादव ने 4 जुलाई को मंत्री जी की ओर से एक शिकायती पत्र के पाठक को लिख दिया और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। के पाठक ने पत्र तो पढ़ लिया लेकिन उन्होंने अगले दिन से कृष्ण नंदन यादव की एंट्री शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों में बैन लगा दी। बस फिर क्या था, मामला और बढ़ गया। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार अपने बयानों से विवादित रहे हैं। वो कब क्या बोल दें किसी को नहीं पता, वो बोलकर निकल जाते हैं लेकिन सरकार फंस जाती है। बताया जाता है कि चंद्रशेखर जी की जबान पर लगाम लगाने के लिए ही नीतीश बाबू ने के पाठक की एंट्री कराई है। राजद के विधायक सुधाकर सिंह का तो ये तक कहना है कि ऐसे अधिकारी को जबरदस्ती रिटायर कर देना चाहिए। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह नीतीश कुमार से नाराज हो गए। उनका मानना है कि नीतीश कुमार अक्सर दूसरे दलों में मंत्रियों और नेताओं को काबू रखने के लिए के पाठक जैसे कड़क आईएएस अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार को लगता है कि दूसरे दलों के नेताओं को कंट्रोल रखना है तो फिर वह के पाठक जैसे आईएएस अधिकारियों को नियुक्ति उस विभाग में कर देते हैं।